प्यारे बच्चों, आज हम आपको विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल निकालना सिखाएंगे। तो इस क्रम में हम प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या है। पहले का फर्स्ट एक्स प्लस वाई बराबर 5 और इसके बाद है 2x-3y = 4 2x-3y = 4। ये समीकरण एक है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक वेरिएबल या कोई एक जो चर है हमारा, उसको हम समान कर लेते हैं। चाहे तो हम y को समान कर लें और चाहे हम x को समान कर लें, और ये फिर देखते हैं कि चिन्ह वेरिएबल कैसे हैं, दोनों समान हैं या दोनों अलग अलग हैं। बेहतर ये रहता है कि अगर भिन्न भिन्न चिन्ह हों तो भिन्न भिन्न चिन्ह वाले को बराबर कर लें। वैसे जो सुविधा के अनुसार हम जो कम छोटी संख्याएं हैं उन्हीं को हम बराबर करते हैं। तो हम कई बार अपने विवेक से यहाँ काम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने देखा ऊपर प्लस वाई है, नीचे 3y माइनस का है, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3y बनाना हमें इसको, तो हम पहली समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ लिख लेंगे नीचे। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 3y = 3×15। इसके नीचे दूसरी समीकरण लिख देंगे हम यहाँ पर 2x-3y = 4। अब हमने चूँकि वाई को पूरा किया है, वाई को बराबर किया है, और इसके चिन्ह भी हमारे अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर इसे कट देंगे। अगर चिन्ह समान होते तो जाहिर सी बात है घटाने पर कटते। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ने पर ये हो जाएगा 5x और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19। तो x = हो गया 19/5। तो ये मान आपका आ गया x का मान। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख के आप y का निकाल सकते हैं प्रतिस्थापित करके। x का यह मान समीकरण एक में रखने पर तो x + y = 5, x का मान कितना 19/5 + y = 5। तो y यहीं छोड़ा, 5 - 19/5, एलसीएम आ गया 5, 5×25 - 19, 25 में से 19 का 6/5। तो y का मान हमारा 6/5 आ गया। तो बात समझ में आई, देखिए क्या किया हमने, x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। अब हमें करना क्या था कि किसी भी चर संख्या के गुणांक समान करने थे, तो हमने y के गुणांक समान कर दिए क्योंकि इनके चिन्ह भिन्न भिन्न थे, ताकि जोड़ने पर ये सवाल हो जाए। तो हमने 3 से गुणा कर दिया, 3x + 3y = 15 और फिर नीचे पहली दूसरी समीकरण उतार दी ऐसे ही, 2x - 3y = 4, इसको हमने जोड़ दिया, ये कट गया और ये 3 और 2 5x हो गया, ये 19 हो गया। इस तरीके से x + x = 19/5 आ गया। x का ये मान समीकरण एक में रखने पर क्या हुआ, x + y = 5, 19/5 + y = 5, यह y = 5 - 19/5, 5 लघुत्तम आ गया, 5×25 - 19, इस तरीके 6/5 ये इसका मान आ जाता। इसी प्रकार से हम एक अन्य सवाल और लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। समझ में आ गया ये, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10,
और दूसरी समीकरण है 2x-2y=2, 2x-2y=2, ये समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण नंबर दो है। देखिए यहाँ भी चिन्ह इसके विपरीत हैं, अलग अलग हैं, बहुत आसान रहेगा। अगर हम y को ही समान कर लें तो क्या करते हैं, y की समीकरण दो नंबर को हम दो से गुणा कर दें, यहाँ चार हैं, चार का नाम है तो हम गुणा करके लिख रहे हैं। देखिए 2x-2y=2, इसके नीचे पहली समीकरण लिख लेते हैं 3x+4y=10। अब हम इसे जोड़ने पर कर देंगे, जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 3 7x=14, तो x बराबर आ गया 14/7, 7 × 14, x = 2 आ गया आपका। अब x का यह मान समीकरण एक में या दो में किसी में रख सकते हैं, चलो एक में रखते हैं, एक में रखने पर क्या आएगा, 3x+4y=10, तो 3×2+4y=, अब 3 × 2 कितना होगा 6+4y=10, 4y=10-6, ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4y=4, अब y बराबर हो गया 4/4, 4 कट गया, y=1, तो इस तरीके से ये आ गया x=2 और y=1। तो आपने देखा कि हम विलोपन विधि द्वारा आसानी से समीकरणों को हल कर सकते हैं। इसमें क्या था, देखिएगा कि 3x+4y=10 और 2x-2y=2 समीकरण एक, समीकरण दो, हमने आसान करने के लिए समीकरण दो को दो से गुणा कर दिया ताकि 4y हो जाए, जोड़ने पर काम ये हल हो जाएगा, तो 4x-4y=4 समीकरण एक लिख ली, 3x+4y=10, 7x=14 ये कट गया और x=2। इसी प्रकार से x का मान समीकरण एक में रखने पर 3x+4y=10, 3 × 6 हो गया, +4y=10, 6+4y=10, 4y=10 में से 6 इधर चला गया, माइनस का हो गया, तो 4y=4, y=4/4, इट मीन्स y=1। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही, बाकी सवाल जो हैं इसके दो कुछ 3-4 शेष भाग बचे हैं, उनको आप घर से करें।